दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरीका से आप सभी ऑनलाइन अपने एड्रेस में सुधार करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सुधार करा सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं और काफ़ी सारे फायदे उठा सकते हैं। जैसे आप अपने लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और तो और यहाँ पर आपको और भी सुविधाएँ जैसे कि मिलती है, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज एंड नेम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अब हो गया है ऑनलाइन और इसे आप किस तरीके से आप सुधार करेंगे तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। सो गाइज, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना ताकि आपको हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है eyti.gov.in के वेबसाइट पे और यहाँ पर माई आधार पे आना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन। देन इस पर क्लिक करने के बाद में आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद में आपको मिलेगा आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। यहाँ पर जो है पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है और अपने DOB यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज आप सिलेक्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसे आप चेंज करने के लिए प्रोसीड टू अपडेट आधार पर आपको क्लिक करने है गाइज। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पोर्टल ओपन हो चुका है और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले आप अपने 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, 16 डिजिट का जितना भी गाय, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने अपनी आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद में जो ये कैप्चा यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर लीजिए। देन उसके बाद में सेंड OTP पर क्लिक करें। जैसे कि मैं यहाँ पर आधार नंबर अपना डाल दे रहा हूँ आपके सामने में। आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर हम लोग कैप्चा जो जिस तरीका से कैप्चा जो है आपको दिख रहा है उस तरीका से आप डाल दीजिए जैसा मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार नंबर पर ग्रीन टिक लग चुका है। यदि आप सही आधार कार्ड अपना नंबर आप डालेंगे जिसको आप चेंज कराना चाहते हैं, अपने DOB जो भी चेंज कराना चाहते हैं जो मैंने आपको पिछले बार में बताया है, तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है यानी कि आपका आधार नंबर एकदम से सही है। उसके बाद आपको सेंड OTP पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद पोर्टल जो है यहाँ पर रिफ्रेश होगा एक बार और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको डालना पड़ेगा। आ चुके हैं मेरे नंबर पे जो आधार कार्ड में रजिस्टर थे पहले से, उस पर एक OTP, उस OTP को हम लोग यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि मेरे केस में आ चुका है, जो OTP आया है हम यहाँ पर जो है फिलअप कर दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर OTP जो है डाल दिए हैं और उसके बाद में लॉगिन करने हैं। तो ये OTP पर भी जो है ग्रीन टिक लग चुका है यानी कि हमने सही OTP दिया है यहाँ पर। तो उसके बाद में लॉगिन पेज पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी आपको करेक्शन करनी है वो आपको दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करने होंगे, जैसे कि अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा इंक्लूड्स एड्रेस। क्या करने गए, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलता है अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है अपडेट एड्रेस वर्सेस एस सीक्रेट कोड के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाले जो ऑप्शन है अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा पर आपको इसी पर क्लिक करने गए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में अपडेट क्या चीज़ करना है वो ऑप्शन आपका खुल जाएगा। तो इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप अपने आधार कार्ड में क्या चीज़ का करेक्शन करना चाहते हैं। जैसे कि सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डेटा फील्ड्स टू अपडेट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लैंग्वेज अपना जो है चेंज करा सकते हैं, जैसे कि आप किस लैंग्वेज में, आप अपने लोकल लैंग्वेज में आधार कार्ड में चेंज करा सकते हैं। उसके बाद में आपका ऑप्शन आते हैं जेंडर सेलेक्ट करा, जेंडर अपना चेंज करा सकते हैं। और बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है वन अटेम्प्ट्स लेफ्ट, यानी कि आपको जो है ऑनलाइन जेंडर सेलेक्ट चेंज करने का ऑप्शन आपको एक ही बार मिलेंगे। आप जो है अपनी जेंडर एक ही बार आप अपनी आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद में यदि आपको चेंज कराना होगा तो शायद जो है आधार सेंटर वाले आपका करे या ना करे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एक बार पता कर लेनी चाहिए। लेकिन जेंडर यहाँ पर वन अटेम्प्ट से ही आपको ट्राई करने हैं। और उसके बाद में यदि आप एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो एड्रेस पर क्लिक करेंगे या ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं। हालांकि ईमेल आईडी अभी और मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा अभी नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे भी अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद में थर्ड नंबर में आता है आपका नेम, जिसे आप तीन बार जो है इसे चेंज करा सकते हो। उसके बाद में आता है डेट ऑफ बर्थ, जिसे आप एक ही बार लेफ्ट कर सकते हो, यानी कि एक ही बार आप इसे डेट ऑफ बर्थ जिंदगी में चेंज कर सकते हो ऑनलाइन, या उसके बाद में आप अपने आधार सेंटर पर जाकर के इसे चेंज करवा सकते हो। तो यहाँ पर नेम आप एक बार में तीन बार आप चेंज कर सकते हो, जेंडर, लैंग्वेज। तो गाइस यहाँ पर हम लोग चेंज करने वाले हैं DOB। तो DOB पर हम लोगों को क्लिक करना है। देन हम यहाँ पर नेम पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में क्लिक कर देते हैं प्रोसीड पे। देन प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। यदि आप DOB चेंज करना चाहते थे तो सेम प्रोसेस है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर टर्म्स को एक्सेप्ट करने हैं और उस प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हम अपने नेम को यहाँ पर चेंज कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर नेम आ चुका है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज कराना चाहते हैं तो वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी और यदि नेम भी चेंज कराना चाहते हैं तो नेम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। या आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेंज करना होता तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर चेंज सेलेक्ट करते हैं और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, जैसा कि मैंने नेम पर क्लिक करके किया। यहाँ पर जो करेंटली इन आधार पर जो नेम होगा आपका अंग्रेजी में इधर दिखेगा और हिंदी नेम इधर दिखेगा। उसी तरीक़ा से नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पर आपको मिलता है एंटर द डिटेल्स और एंटर योर करेक्ट नेम और नाम। तो यहाँ पर अपनी जो है करेक्ट नेम डालनी है, जो भी आपका नेम यहाँ पर करेक्ट होगा यानी कि जो आपका नेम राइट है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ अपनी नेम और देख सकते हो इस तरीक़ा से मैंने अपनी नेम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे अपने नाम पर तो यहाँ पर आप हिंदी में अपने नाम का लेटर डाल दीजिए, मैंने अक्षर डालना है। तो इसका प्रयोग आप गूगल इनपुट टूल से जा करके आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे भी यहाँ पर डाल देता हूँ, या फिर आप अपने नाम का यहाँ पर लेटर डालेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ और स्पेस बटन दबाएंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक से हिंदी में करेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आपको इस तरीके से फिलअप करनी है और इस तरीके से स्पेस बटन डालने हैं। उसके बाद में आप अपने नाम का स्पेलिंग देख सकते हो कि करेक्ट है या इनकोरेक्ट है। तो यदि इनकोरेक्ट आपको लगता है तो उसके बाद आप अपने गूगल इनपुट टूल में जा करके इसे अपडेट करा सकते हैं। सो गाइज, उसके बाद में आता है आपको अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने हैं, आपको मिल जाते हैं सबसे पहले पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, या आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं विद फोटोग्राफ के साथ में। तो यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपके पास में अवेलेबल है उनमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पास पैन कार्ड है, हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने हैं। उसके पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स की साइज को क्या रखना है वो आपको बता देते हैं। जैसे कि आपकी साइज़ जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की 2 MB से कम की होनी चाहिए और जो भी सपोर्ट यहाँ पर फॉर्मेट होंगी वो JPG फाइल में या PNG फाइल में होनी चाहिए या PDF फाइल में आप अपलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद में आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो यहाँ पर आपको दिखेंगी। आप वहीं अपनी जो भी आप दस्तावेज यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उस दस्तावेज में जो भी आप यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं उसमें आपको देख लेना है कि यदि करेक्ट है वहीं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करने हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में आपको ये कैप्चा यहाँ पर शो करता है, तो इस कैप्चा को आप फिलअप कर दीजिए, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उसे आप डाल दीजिए। उसके बाद में टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद में मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करने हैं। उसके बाद में जो आपको फुरतबाद सामने जो प्रोसेस होगा उसे हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद में जो आपका पेमेंट मेथड जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप 50 रुपये का आपको पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन, जिसे आप अपनी कार्ड्स क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं या आप अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यदि आप अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे ऊपर आपको मिलता है कार्ड नंबर। आप यहां पर अपनी कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, मंथ और ईयर डाल देंगे, CVV डालेंगे और जो आपके कार्ड पर जो भी नेम है उसे आप डालने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डालने के बाद में सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद में फ्रेंड्स आपका जो है आपका आधार लेटर जो है अपडेट कर दिए जाएंगे 3 या 4 दिनों के बाद में। इसका स्टेटस आप कैसे देखेंगे चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 50 रुपये का पेमेंट करने के बाद में आपको एक SRN नंबर मिल जाता है, उसे कैसे आपको देखने हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि जो आपके नंबर पर एक नंबर भेजे जाएंगे उस नंबर की सहायता से आप अपने आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए वो कैसे चेक करते हैं मैं आपको स्टेप बाय बताता हूँ। स्टेटस देखने के लिए आपको फिर से आनी है eydai.gov.in की वेबसाइट पे, माई आधार पे आपको चलना है और यहाँ पर आपको मिलता है चेक ऑनलाइन एड्रेस अपडेट स्टेटस। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यह कुछ देर लोडिंग लेगा, उसके बाद में यह पेज जो है ओपन हो जाता है। इसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पर 12 डिजिट का अपने आधार नंबर, यहाँ पर आप अपने फिलअप करेंगे। उसके नीचे आपको मिलता है एंटर URN एंड SRN नंबर, यानी कि जो SRN नंबर जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है भेज दिए जाते हैं URN नंबर
उस EYRN नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, और यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद में आप जब भी चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपका स्टेटस जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आप अपनी आधार कार्ड में अपनी मोबाइल नंबर जो अपडेट करने की सुविधा शायद कुछ दिनों के बाद में उसे भी अपडेट कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है। तो आप अपनी आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी जा करके आप अपनी आधार कार्ड में करेक्शन ऑनलाइन करा सकते हैं, जिसमें आप अपने जेंडर, DOB, नेम, लैंग्वेज, एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है अपने चेंज करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद यदि आया है आपको तो लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी इस तरीके का लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।